खरवास 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों का क्या कुछ कहना है, आइए ईटीवी भारत की इस खास रिपोर्ट में सुनते हैं। खरवास को ज्योतिष में पूजा पाठ के लिए शुभ माना गया है, लेकिन मांगलिक कार्यों की मनाही है। आइए जानते हैं खरवास की पौराणिक कथा और महत्व। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर साल मार्गशीर्ष और पौष महीने के बीच खरवास पड़ता है। इस दरमियान सूर्य देव धनी राशि में प्रवेश करते हैं तो खरवास आरंभ हो जाता है और एक माह बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह समाप्त हो जाता है। इस बार खरवास 24 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ शादी, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। मान्यता है कि इस समय में नया घर या वाहन खरीदने जैसे काम भी नहीं होते हैं। क्या है खरवास का शास्त्रीय महत्व, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य प्रत्येक राशि में करीब एक माह रहने के साथ राशि बदल देते हैं। उनके धनु राशि में प्रवेश करने पर खरवास लग जाता है। धनु गुरु बृहस्पति की राशि है। मान्यता है कि सूर्यदेव जब भी देवगुरु की राशि पर भ्रमण करते हैं तो यह जनजीवन के लिए कुप्रभाव वाला होता है। ऐसे में सूर्य कमजोर हो जाते हैं और उन्हें मलिन माना जाता है। सूर्य के मलिन होने से यह माह मलमास भी कहा जाता है। इस दौरान गुरु के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। सनातन धर्म में सूर्य महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, ऐसे में उनकी कमजोर स्थिति अशुभ मानी जाती है। इसी तरह बृहस्पति देवगुरु हैं, जिनके स्वभाव में उग्रता शुभ नहीं होती। इस कारण खरवास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। पौराणिक कथा इसकी इस प्रकार है कि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। उन्हें कहीं भी रुकना नहीं होता है, मगर उनके रथ में जुड़े घोड़े विश्राम न मिलने से भूख प्यास से थक जाते हैं। में नया घर या वाहन खरीदने जैसे काम भी नहीं होते हैं। क्या है खरवास का शास्त्रीय महत्व, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य प्रत्येक राशि में करीब एक माह रहने के साथ राशि बदल देते हैं। उनके धनु राशि में प्रवेश करने पर खरवास लग जाता है। धनु गुरु बृहस्पति की राशि है। मान्यता है कि सूर्यदेव जब भी देवगुरु की राशि पर भ्रमण करते हैं तो यह जनजीवन के लिए कुप्रभाव वाला होता है। ऐसे में सूर्य कमजोर हो जाते हैं और उन्हें मलिन माना जाता है। सूर्य के मलिन होने से यह माह मलमास भी कहा जाता है। इस दौरान गुरु के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। सनातन धर्म में सूर्य महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, ऐसे में उनकी कमजोर स्थिति अशुभ मानी जाती है। इसी तरह बृहस्पति देवगुरु हैं, जिनके स्वभाव में उग्रता शुभ नहीं होती। इस कारण खरवास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। पौराणिक कथा इसकी इस प्रकार है कि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। उन्हें कहीं भी रुकना नहीं होता है, मगर उनके रथ में जुड़े घोड़े विश्राम न मिलने से भूख प्यास से थक जाते हैं। उनकी यह दयनीय दशा देखकर एक बार सूर्यदेव का मन द्रवित हो गया। वह उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, लेकिन तभी आभास हुआ कि रथ रुकने पर अनर्थ घटित हो सकता है। मगर सूर्यदेव घोड़ों को लेकर तालाब पर पहुंचे तो देखा कि वहां 2 खर यानी गधे मौजूद हैं। सूर्यदेव ने घोड़े को पानी और विश्राम के लिए वहां छोड़ दिया और खर को रथ में जोड़ लिया। इसके चलते उनके रथ की गति धीमी हो गई। किसी तरह सूर्यदेव खर के सहारे एक मास चक्र पूरा करते हैं। तब तक घोड़े विश्राम कर चुके होते हैं तो सूर्य रथ
फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। इस तरह हर साल यह क्रम जो है वह बिल्कुल चलते रहता है और हर साल खरमास पड़ता है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा होगा, दिक्कत होगा, जितना ये सब बैंड वैंड है, रूम रेंट देना पड़ा। 2 साल कोरोना का दौर था, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग को परेशानी पड़ा, बैंड बंद हो गया, बाजा बंद हुआ। अब खरवास आने के बाद थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। कैसा रहा इस बार का बाजा? इस बार ठीक रहा, जो भी रहा अच्छा रहा। मेरे मान के चलिए कि 30-40% जो भी हुआ अच्छा हुआ। आगे के लगन से क्या कुछ उम्मीद है? आगे के लगन से अभी जो ओमिक्रॉन ये सब क्या क्या सुना जा रहा है, अब उसके आने के बाद क्या होता है, अब तो सरकार को करना है, प्रशासन को करना है। जाहिर सी बात है कि बैंड वाले लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस वर्ष का लगन उनका ठीक ठाक रहा है, अब उम्मीदें आगे लगन से है। साफ तौर से बैंड ऑनर कहते हैं कि अगर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन एक बार फिर से नहीं लगाया गया तो बैंड वाले लोगों की जीवन पटरी पर आ पाएगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।